हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर आधारित एक पजल कह लीजिए या फिर प्रॉब्लम कह लीजिए, जिसमें तीन वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। क्या है वो प्रॉब्लम, कैसे उसको सॉल्व करना है, पजल के रूप में ही हम लेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो IBPS PO होगा या फिर जो क्लर्क के मेंस होंगे, मेंस के एग्जाम्स को लेकर के मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ पाए कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आए तो उनको टैकल करना है। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या लिखा गया है। नाइन पीपल्स आर प्रेजेंट इन अ फैमिली गैदरिंग, मेम्बर्स फ्रॉम थ्री जनरेशंस वर प्रेजेंट इन द गैदरिंग। कहने कि नौ लोग हैं किसी फैमिली गैदरिंग में, मतलब किसी फैमिली की गैदरिंग हो रही है जिसमें नौ लोग हैं टोटल फैमिली में। और वो जो नौ लोग हैं वो कैसे हैं, कह रहे हैं कि तीन जनरेशन हैं उनकी, ठीक है, तीन जनरेशन वहाँ पे मौजूद हैं। लिखा गया है देयर आर थ्री मैरिड कपल, उनमें कितने मैरिड कपल हैं, तीन, तीन लोग शादीशुदा हैं, मतलब छह लोग उसमें ऐसे होंगे जो किसी पेयर में होंगे मेल फीमेल के, और तीन लोग उसमें ऐसे होंगे जो कि मैरिड नहीं है। लिखा गया है नो वन इज़ मैरिड इन द थर्ड जनरेशन, की जो तीसरी जनरेशन है उसमें कोई भी मैरिड नहीं है। ओके, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन द फैमिली देयर आर टू टीचर्स, वन एक्टर, वन फैशन डिजाइनर, वन डॉक्टर, वन सोशल वर्कर, वन इंजीनियर, वन पुलिस डायरेक्टर, या फिर कह लीजिए डायरेक्टर, क्या कहें, ऑफिसर कहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर भी कुछ भी कहिए, एंड वन स्टूडेंट। ठीक है, कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके ऑक्यूपेशन, ये भी बताया गया है कि दो टीचर हैं, एक्टर हैं, फैशन डिजाइनर, डॉक्टर, सोशल वर्कर, इंजीनियर, पुलिस डायरेक्टर और स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे तीन वेरिएबल्स क्या क्या हैं, वो भी समझ लीजिए कि यहाँ पे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका नाम नहीं लिखा गया है, इनको आगे बताया गया। जैसे ए इज़ अ फैशन डिजाइनर, तो एक तो फैमिली मेंबर्स के जो नाम हैं वो हैं वेरिएबल्स। दूसरा वेरिएबल इसमें क्या है, उनका जो भी प्रोफेशन है वो है वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल इनमें जेंडर का आएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो बड़े ध्यान से इसको समझना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको ये तो पता होना चाहिए कि तीन यहाँ पे जनरेशन्स आपको टैकल करनी है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे आपको चलना है। अब चलिए कंडीशन पे आगे बढ़ते। लिखा गया है ए इज़ अ फैशन डिजाइनर, और यहाँ पे बीच में एंड मिसिंग है, एंड इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ द टीचर विच हैज़ ओनली वन चाइल्ड बी। पहले ए के बारे में बताया गया कि ए क्या है, फैशन डिजाइनर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए है क्या, फैशन डिजाइनर। एंड इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अ टीचर, और ए क्या है, सिस्टर इन लॉ है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, ए का जेंडर। जेंडर के लिए हम मेल के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेल के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस, और फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस साइन का। इसके अलग अलग डोनेशन हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लीजिए, मेल के लिए कॉमा कर लीजिए, फीमेल के लिए इनवर्टेड कॉमा कर लीजिए, मतलब जो आपको समझ में है, आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया वो बता रहा हूँ, और आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि ए क्या है, तो ए आपको पता चला फीमेल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि ए क्या है, सिस्टर इन लॉ है ऑफ द टीचर, किसकी, टीचर की, विच हैज़ ओनली वन चाइल्ड बी, और टीचर के कितने चाइल्ड हैं, केवल एक, वो भी क्या है, बी है। ओके, तो इससे हमको एक जानकारी और क्या मिलती है कि ए और जो टीचर होगी, टीचर कौन होगा ये नहीं पता है, लेकिन ये आपको समझ में आता है दूसरी कंडीशन के हिसाब से आगे, कि ए और जो टीचर होगी या होगा जो भी होगा, वो दोनों सेम लेवल पे होंगे, मतलब एक ही जनरेशन का हिस्सा होंगे, इतना तो आपको समझ में आता है। जैसे अगर आप हैं, आपकी जो सिस्टर इन लॉ होगी वो आपके ही जनरेशन का हिस्सा होगी, ठीक है, उससे नीचे कौन हो जाएगा, तो उससे नीचे आपके नीज हो जाएंगे, नेफ्यूज़ हो जाएंगे, ऊपर कौन हो जाएगा, ऊपर आपके फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ आएंगे, सिस्टर इन लॉ सेम जनरेशन में होगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए और ये जो टीचर है वो कहाँ है, सेम जनरेशन, इसीलिए हमने इसको सेम ऐसे जनरेशन पे या फिर सेम लाइन पे इसको दिखाया है। और इनके बीच की रिलेशनशिप क्या है वो भी आप ऐसे दिखा सकते हैं कि क्या है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ है कौन, ए है, ठीक है, तभी यहाँ से जेंडर पता चला है। आगे पढ़े, लिखा गया था इंजीनियर, और यहाँ पे अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि टीचर के एक ही चाइल्ड है वो क्या है, बी है, टीचर को एक ही चाइल्ड है वो क्या है, बी है, बी को हमने एक लेवल इसलिए नीचे दिखाया। ओके, आगे पढ़ते, लिखा गया है द इंजीनियर इज द नीस ऑफ सी हु इज एन एक्टर। तीसरी कंडीशन देखिए क्या क्या यहाँ समझ में आता है। एक तो ये समझ में आता है कि जो इंजीनियर है वो क्या है, नीस है, किसकी, सी की, तो नीस है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो जो इंजीनियर होगा वो क्या होगी, लड़की होगी। और दूसरी बात क्या समझ में आती होगी
कि इंजीनियर और सी के बीच में एक गैपिंग आपकी होगी, मतलब लेवल का अंतर होगा। सी आपका कुछ एक लेवल ऊपर होगा और जो भी इंजीनियर होगा वो नीचे होगा एक लेवल उसके। और ये होगा कौन, जो भी होगा वो कौन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया है, लड़की ही होगी। और लिखा गया है सी हु इज़ एन एक्टर, एक्टर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, मतलब एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे लिया जाता है फीमेल के लिए, तो एक्टर का इस्तेमाल किया गया, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि सी है क्या, एक मेल है और ये एक्टर है, ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि इसका जो रिलेशनशिप है वो एक यहाँ पे गैपिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है द स्टूडेंट हैज़ द ओनली वन कज़न एंड इज़ इन पुलिस। चौथी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसका केवल और केवल हैज़ ओनली वन कज़न एंड इज़ इन पुलिस, एंड हु इज़ इन पुलिस ऐसे लिखा होता ज़्यादा सही होता, मतलब यहाँ पे कि जो स्टूडेंट है उसका केवल एक ही कोई कज़न है। ओके, स्टूडेंट जो भी है उसका केवल एक कज़न है सिंगल, और वो भी किस में है, पुलिस में। और स्टूडेंट और कज़न फिर सेम लेवल पे ही होंगे, मतलब जो भी पुलिस में होगा वो क्या होगा, सेम लेवल पे ही होगा। और इनके बीच की रिलेशनशिप कैसी है, तो ये दोनों क्या हैं, कज़न है। वैसे यहाँ पर भी आप रिलेशनशिप दिखा सकते हैं ताकि आगे कन्फ्यूज़ ना हो कि इनके बीच की रिलेशनशिप क्या है, कि ये नीस है। कौन नीस है, जो इंजीनियर है वो नीस है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है वन ऑफ द टीचर्स हैज़ टू चिल्ड्रेन एंड थ्री ग्रैंड चिल्ड्रेन। कह रहे हैं कि उनमें से जो एक टीचर है उसके दो चिल्ड्रेन है और तीन ग्रैंड चिल्ड्रेन है, मतलब पांचवी कंडीशन ऐसे कह सकते हैं कि जो भी एक टीचर है, ओके, दो टीचर्स हैं ना, तो एक टीचर तो यहाँ पे एक के साथ है, और एक टीचर जो है वो कह रहे हैं कि उनमें से जो एक टीचर है उसके, कह रहे हैं कि यहाँ पे दो चिल्ड्रेन है और तीन ग्रैंड चिल्ड्रेन है, मतलब ये अगर अगर देखा जाए, हम अगर हायरार्की की बात करें तो ये सबसे ऊपर होगी, क्योंकि तीन ही जनरेशन है, ये सबसे ऊपर की जनरेशन में है, फिर उसके नीचे दो लोग होंगे, फिर इन दो लोगों के नीचे यहाँ पे तीन लोग होंगे। ओके, तो ऐसे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो होगा वो सबसे ऊपर है, इस तरीके से हमको ये समझ में आता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम, लिखा गया है डी इज़ एन सोशल वर्कर एंड इज़ अ ग्रैंड फादर ऑफ अ पुलिस डायरेक्टर। अब इस एक लाइन से आपको पूरी हायरार्की समझ में आएगी। कैसे हायरार्की समझ में आएगी, अभी हमको ये नहीं पता था ये टीचर यही वाली है या फिर ये टीचर कोई और है, अब हमको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो आपको ये समझ में आएगा कि जो भी पुलिस डायरेक्टर है वो कौन सी पोजीशन पे है, ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन की पोजीशन पे आ रहा है, और जो ग्रैंड फादर है वो सबसे ऊपर की कंडीशन पे आएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि डी क्या है, सोशल वर्कर है, और यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्सेस बना दूँ, तो ऐसे कहूँ कि ये जो डी है वो क्या है, वो सोशल वर्कर है, और डी है तो मेल भी है, ग्रैंड फादर है, और अगर बात करूँ यहाँ पे तो ऊपर डी आएगा, तो इसके साथ एक मैरिड कपल होगा, ये तीन ही मैरिड कपल हैं, तीन तो बच्चे हो गए, तीन बच्चों में कौन कौन आएगा वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक स्टूडेंट हो गया, एक पुलिस हो गया, ये सबसे नीचे वाली लाइन में आपके आने वाले हैं। जैसा यहाँ पे हमको पता चला क्या, कि टीचर है, फिर दो लोग होंगे और उसके नीचे कितने लोग होंगे, तीन लोग होंगे। तो ऐसे अगर हम देखें तो डी अगर यहाँ पे है तो हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन आएगा, टीचर आएगा। ओके, जो कि टीचर होगी वो आएगी। ओके, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, मैरिड कपल। इनके नीचे कितने लोग होंगे, तो इनके नीचे हमको समझ में आता है कितने लोग होंगे, चार लोग होंगे। कौन किसका बेटा होगा, कौन इन लॉ में आएगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और इनके नीचे कितने लोग होंगे, तो इनके नीचे तीन लोग होने वाले हैं। ओके, ऐसे समझ लेते हैं, बॉक्सेस बना के समझा रहा हूँ। टीचर के दो बच्चे हैं और यहाँ पे तीन ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। इसी तरह डी क्या है, कह रहे हैं कि वो किसका ग्रैंड फादर है, पुलिस डायरेक्टर का। तो जो भी पुलिस डायरेक्टर होगा उसका क्या होगा, डी ग्रैंड फादर होगा। अब आप अगर इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ क्या रहा है कि यहाँ पे सारे नौ लोग यहाँ पे आ गए हैं, दो चार, चार दो छः, तीन नौ। और ये समझ में आता है कि टीचर और ए आपस में सिस्टर इन लॉ हैं, इसका मतलब ये लोग किस रो में होंगी, बीच वाली रो में होंगी। इससे हमको ये समझ में आता है कि टीचर की एक ही केवल औलाद है, जो कि क्या है, बी। और चौथी वाली कंडीशन से हमको क्या पता चलता है कि स्टूडेंट का केवल एक ही कज़िन है, वो भी किस में है, पुलिस में है।
तो यहाँ से हमको समझ में कैसे आएगा कि स्टूडेंट और पुलिस थर्ड जनरेशन में है, कैसे समझ में आता है वो इस बात से कि अगर वो सेकंड जनरेशन में होते तो कजन वाली बात हो ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि ऊपर केवल एक ही मैरिड पेयर है, दो मैरिड पेयर नहीं जिनके अलग अलग संतानें हो सकती हैं। डी के या फिर टीचर के कह लीजिए केवल दो ही संतानें हैं, तो वो दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो दोनों तो सगे भाई बहन या सगे भाई भाई या बहन बहन होंगे, और बाकी के जो दो लोग होंगे वो इन लॉज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कजन वाली बात कहाँ पे आएगी? थर्ड जनरेशन में ही आएगी। बस ये वाली बात अगर आपके दिमाग में घुस गई थी तब आसानी से कर लेंगे, अगर ये नहीं हुआ तब ये पजल आपके लिए करना बड़ा कठिन था, एग्जाम में बहुत सर फोड़ते तो भी नहीं हो पाता। स्टूडेंट और पुलिस एक लेवल पे हैं, और आपको ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है और पुलिस है इसका एक केवल एक ही कजन है पुलिस वाला। तो मतलब यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि टीचर जो है उसका केवल एक ही औलाद है, वो क्या है? बी है, सिंगल चाइल्ड है बी। तो इस लाइन को हम यहाँ पे लिख लें, जैसे यहाँ पे है तो इस पुलिस को मैं हटा देता हूँ या फिर रहने देता हूँ, यहाँ पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट होगा, अभी पता नहीं कौन है। और ये जो दोनों होंगे फिर ये दोनों आपस में सगे भाई बहन होंगे, क्योंकि इनका केवल एक ही कज़न है, तो ये दोनों तो आपस में क्या होंगे? सगे भाई बहन, भाई भाई जो भी होंगे आगे देखते हैं। तो ये दोनों आपस में सगे होंगे, और ये जो होगा जो कि पुलिस में है ये क्या होगा? कजिन होगा स्टूडेंट का। और ये किसका, या फिर यहाँ पे बात की थी हमने कि ये क्या है? टीचर की इकलौती औलाद है जो कि बी है, तो वो होगा क्या? बी होगा। ठीक है, अभी इसके जेंडर के बारे में नहीं पता है, और ये क्या है? टीचर की ये संतान है, तो यहाँ पे लिख दिया टीचर। अभी टीचर के बारे में नहीं पता मेल है कि फीमेल। अब इससे पहले कि हम आगे वाली कंडीशन पढ़ें, अगर आप तीसरी वाली कंडीशन पे ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। तीसरी वाली कंडीशन क्या बता रही थी? सी और इंजीनियरिंग जो, या फिर जो इंजीनियर है उसके बारे में कंडीशन को बता रही थी, वो क्या है? नीस है, तो इसका मतलब एक लेवल नीचे है। हमको पता है कि ये जो भी कहानी होगी वो ऊपर के दो लेवल में हो नहीं सकती, क्योंकि ऊपर ऐसा कुछ चांस है नहीं, या तो वो आएंगे सन या फिर डॉटर में, या फिर सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ में। नीस वाला कॉन्सेप्ट तो नीचे ही बनेगा, एक तो स्टूडेंट हो गया तो एक ही प्लेस खाली है, तो इस प्लेस पे कौन होगा? इंजीनियर जो है वो आएगी। और इसका आपको पता है कि क्या है? ये लड़की है, ठीक है, अभी है कौन ये नहीं पता। और सी क्या आएगा? एक्टर है। तो अब आपको पता है कि इन दोनों की संतान केवल ये पुलिस वाली जो लड़की होगी या लड़का होगा वो है, और इन दोनों की संतान ही ये दोनों बच्चे हो रहे हैं। इसका मतलब सी का प्लेस यहाँ दोनों पे नहीं हो सकता, वरना वो मदर या फादर आ जाएगा। सी का प्लेस कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और ये क्या है? एक एक्टर है, और है कौन? सी। और सी एक्टर के साथ साथ मेल पर्सन है हमने देखा था, तो यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस का साइन। और आगे अगर आप पढ़िए अब कंडीशन, तो आपको क्या समझ में आएगा? लिखा हुआ ई इज अ मदर ऑफ बी। ई क्या है? बी की मदर है। अब आपको पता है कि बी यहाँ पे है, और यहाँ पे केवल एक ही प्लेस खाली है टीचर वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, और यहाँ पे हमने लगा दिया निगेटिव साइन, मतलब ये क्या है? मदर है। ओके, इतनी बात हमने समझ ली। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। द डॉक्टर इज अ सन इन लॉ ऑफ अ सोशल वर्कर। डॉक्टर क्या है? सन इन लॉ है सोशल वर्कर का, तो सोशल वर्कर तो यही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सोशल वर्कर ये है, सन इन लॉ है। सन इन लॉ का मतलब क्या हो गया? कि डॉक्टर जो है वो इनका बेटा नहीं होगा, इन दोनों जो दंपत्ति हैं इनका बेटा नहीं होगा। तो हम कहीं भी लिख दें तो सन इन लॉ होगा, तो मतलब इन दोनों प्लेसेस में कहीं भी आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है? डॉक्टर। और सन इन लॉ है, सन है, इससे हमको ये समझ में आता है कि क्या होगा? मेल पर्सन होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर वाली कोई कंडीशन खाली है क्या। हाँ, दूसरी वाली खाली है, जो ये बताती है कि टीचर और ए आपस में क्या है? सिस्टर इन लॉ हैं। तो हमको ये समझ में आता है कि इस वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ये क्या है? निगेटिव। और है क्या ये? फैशन डिजाइनर। ओके, इतनी चीज़ें हमने भर ली। और इससे एक बात क्या कन्फर्म हो जाती है कि ये जो ए है वो क्या है? इस टीचर की क्या है? बेटी है। कैसे पता चला? क्योंकि ये वाली जो टीचर है या फिर ई है उसकी सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ तभी हो सकती है जब उनका खून का रिश्ता नहीं है। मतलब क्या होगा कि ये जो सी है वो इनका क्या है? भाई है। मतलब इनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है? भाई बहन का ये रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी तो आगे हम बड़े आसानी से बढ़ सकते हैं। ओके, हमने ये देखा कि इनके जो दो लड़के कौन से हैं, एक तो ए एक तो सी, ये क्या हो गया? ये हो गया इनका सन इन लॉ, और ये क्या हो गया? इनकी डॉटर इन लॉ। या फिर एक एक कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो ए क्या है? ई की सिस्टर इन लॉ। ओके, समझ गए। आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द फैशन डिजाइनर हैज टू डॉटर्स, कि फैशन डिजाइनर जो है उसके दो डॉटर्स हैं। तो फैशन डिजाइनर ए है, इसकी दो डॉटर्स हैं। अच्छा, इंजीनियर जो है वो तो डॉटर है ही, साथ में जो स्टूडेंट है वो भी क्या है?
वो भी लड़की ही है, तो यहाँ भी नेगेटिव का साइन, बस ये जरूरत थी। लिखा हुआ है एफ इज एन इंजीनियर, और जो इंजीनियर है उसके बारे में पता चल गया क्या है, एफ है। फिर आगे लिखा हुआ है जी इज अ नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ अ फैमिली। अब बताइए नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ अ फैमिली से क्या समझ में आता है, वो क्या होगी, स्टूडेंट होगी, तभी तो वो नॉन अर्निंग है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी होंगी एग्जाम में। फिर आगे लिखा गया है ई एंड एच आर द टीचर्स एंड द नेम ऑफ वन मोर मेंबर ऑफ अ फैमिली इज जे। कह रहे हैं कि ई और एच क्या है, टीचर्स हैं, तो ई तो टीचर हो गई, अच्छा एच के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, और ये होगी कौन, ये मतलब होगी फीमेल, ओके, क्योंकि ये क्या है मेल है, और ये दोनों पेयर्स हैं, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। और कह रहे हैं कि एक और जो फैमिली मेंबर है उसका क्या नाम है, जे है, तो जे कोई खाली है यहाँ पे देखिए, हाँ डॉक्टर वाला प्लेस खाली है, तो इसका नाम क्या होगा, जे होगा। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, सोशल वर्कर हैज़ ओनली वन डॉटर एंड टू ग्रैंड डॉटर्स, कि सोशल वर्कर जो है उसके केवल एक लड़की है, ठीक है, दूसरा तो लड़का है, और क्या कह रहे हैं कि ओनली टू ग्रैंड डॉटर्स हैं, टू ग्रैंड डॉटर्स का मतलब ये दोनों तो ग्रैंड डॉटर हो गए, तो ये क्या होगा, मेल होगा, मतलब इसका जेंडर आपको पता चल गया। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती इसका जेंडर आपको कन्फर्म नहीं हो पाता, और ये हो जाती है अरेंजमेंट हमारी पूरी। तो बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट सी जो इन्फॉर्मेशन थी उनको आपको कनेक्ट करना था, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द वे जा करके दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं, सिर्फ यहीं तक आपका काम नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि इसके आधार पर जो चार क्वेश्चंस होंगे उनको भी अगर आपने समझने में, पढ़ने में, देखने में गलती करी, आंसर गलत लगाया, तो सब किया कराया हो जाता है बेकार, और आपको उसके निगेटिव मार्क ही मिल पाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आए तो इनको ऐसे ही थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा करके अपने से रिलेट करके देखिए कि क्या हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से क्या क्या कहानी बैठती है, और उसके हिसाब से फिर आप अरेंज करना स्टार्ट करिए, क्या सही है क्या गलत है सब आपको पता चलता जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा था कि आप सबके साथ डिस्कस कर दूँ, जिससे आप लोगों को भी समझ में आ सके। अब इसके ऊपर आधारित चार क्वेश्चंस हैं, ये चार क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी अरेंजमेंट के ऊपर आधारित हैं। बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं, अगर आपसे सॉल्व हो पाए तो, नहीं हो पाए तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो होगा। तो मेरे द्वारा दी गई ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, थोड़ा सा समय निकाल के लाइक करें, चाहे जहाँ भी देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ जा करके लाइक करें, या फिर ऑफलाइन देख रहे हो थोड़ा सा समय निकाल करके एक बार खोल करके वीडियो लाइक कर दीजिए वीडियो, और कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके आंसर क्या है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने कितना सीरियस होकर के इस क्वेश्चन को देखा। और अगर पसंद आई है प्रॉब्लम ज़्यादा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भी पहुँचाइए, थोड़ी सी मेरी मदद इसमें आप करिए। तो ये तो थी प्रॉब्लम, आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसी तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।